नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्यहिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के गठन के बाद आज दिल्ली में CIA चीफ विलियम बर्न्स ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बर्न्स और डोभाल ने अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात पर चर्चा की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इस यात्रा के बारे में चुप्पी साध ली गई है, लेकिन कई स्रोतों के हवाले से इस यात्रा और उसके एजेंडे की पुष्टि हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद आज दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से रूसी समकक्ष निकोले पेत्रुशेव की मुलाकात हो रही है। बता दें, रूस के NSA पेत्रुशेव मंगलवार रात भारत पहुंच चुके थे। वह अजीत डोभाल से मिलने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर व प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन का ऐलान कर दिया। मुल्ला हसन अखुन को मंत्रिमंडल का प्रमुख बनाया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पर समझा जाता है कि वे प्रधानमंत्री ही होंगे। पहले से चल रही संभावनाओं के मुताबिक ही हक्कानी नेटवर्क के सराजुद्दीन हक्कानी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वे आंतरिक मामलों के मंत्री होंगे। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुल्ला हसन अखुंद के सहायक होंगे, यानी वे नंबर दो की हैसियत से होंगे। इसी तरह मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी भी सरकार में नंबर दो की हैसियत पर होंगे। मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्रालय मिला है। ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं। हरियाणा के करनाल में किसान अभी भी मिनी सचिवालय के बाहर धरना जारी रखे हुए हैं। किसान करनाल में 28 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के बाद अफसर के खिलाफ कार्रवाई और घायलों और जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने जिले में इंटरनेट और SMS सेवाओं पर लगी रोक को बुधवार तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि प्रशासन ने SDM की पहले की गई कार्रवाई को लेकर स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है, जिसके बाद हमें आगे क्या करना है ये किसानों के साथ हम बैठकर तय करेंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य ने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को खत लिखा है। इसमें रिपोर्ट को जारी करने के साथ ही इसको सरकार को भेजने का भी आग्रह किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों व सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में ही एक कमेटी का गठन किया था। इस साल मार्च में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। कमेटी ने क्या सुझाव दिया है यह अभी सामने नहीं आया है। कमेटी के एक सदस्य शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जे घनावत ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की दलील तब दी है जब हाल में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है और BJP पर फिर से जबरदस्त दबाव है। RSS का किसान संगठन आज देश में MSP की गारंटी की मांग को लेकर धरना दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी भारतीय किसान संघ की ओर से किसान पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद कम लोग पहुंच पाए हैं। इस दौरान भारतीय किसान संघ के दिल्ली अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि MSP एक छलावा साबित हुई है। किसानों को लागत के आधार पर कृषि उपज का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि MSP का लाभ देश भर के किसानों को नहीं मिलता है। किसानों को भी लाभ का अधिकार है, ताकि वे अपना और अपने परिवार का जीवन सुधार सकें। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में BJP सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम विस्फोट हुए हैं। इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। BJP ने जहां इन विस्फोटों के लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कम होती नहीं दिख रही है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। इस घटना और बयान के बाद अब सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और BJP के बीच फिर से तनातनी तेज होने के आसार बढ़ गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ही आज BJP ने 5 चुनावी राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी बनाया गया है। गोवा के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। LJP नेता चिराग पासवान ने आज तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुलाकात को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वो अपने पिता की बरसी पर आमंत्रण देने के लिए तेजस्वी से मिले।
उन्होंने कहा कि वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। चिराग ने कहा कि उनका लक्ष्य हर उस व्यक्ति को आमंत्रित करना है जिन्होंने उनके पिता रामविलास पासवान के साथ काम किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद चिराग और तेजस्वी के साथ आने के सवाल पर कहा कि वो कह चुके हैं जो कहना था और लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद कुछ बच नहीं जाता है। बता दें, लालू प्रसाद यादव पहले ही चिराग पासवान के साथ आने के लिए कह चुके हैं। भवानीपुर उपचुनाव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का वादा करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार को अपने रुख पर यू टर्न ले लिया है और अब कहा है कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के खिलाफ किसी को नहीं खड़ा करेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि AICC के निर्देश के अनुसार कांग्रेस 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले ना तो बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारेगी और ना ही उनके खिलाफ प्रचार करेगी। परमवीर सिंह अब एक और मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के पास कार में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले से जुड़े कथित जैश उल हिंद के टेलीग्राम संदेश को लेकर नया खुलासा हुआ है। आरोप है कि उस टेलीग्राम संदेश को लेकर साइबर सुरक्षा के पेशेवर द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसको तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने छेड़छाड़ कर तैयार करवाई थी। साइबर सुरक्षा के उस पेशेवर ने ही राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी NIA के सामने ये बात कही है। उसने एजेंसी को बताया है कि उसने जो मूल रिपोर्ट तैयार की थी उसमें तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक का जिक्र भी नहीं था। उसने आरोप लगाया है कि परमवीर सिंह के कहने पर उसने जैश उल हिंद के पोस्टर को उसमें जोड़ दिया था। उसका कहना है कि उस काम के बदले परमवीर सिंह ने जबरन उसे 5 लाख रुपए भी दिए थे। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।